क्वेश्चन दिया है इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, ये आपका अल्काइन, अल्काइन को यूज किया गया, किस में डाला गया, रेड हॉट आयरन ट्यूब में, मेंटेनिंग वेरी हाई टेम्परेचर। तो जब इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर मेंटेन करेंगे तो ये जो आपके पाई बॉन्ड है ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं और इस कंपाउंड का क्या होने लगता है, साइक्लाइजेशन, ठीक है, बनेगा। ए एक रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, कौन सी रिएक्शन, एरोमाटाइजेशन, एरोमाटाइजेशन ऑफ अल्काइन पढ़ा होगा, चेक कर लेना नोट्स में, ये दिया होगा, ठीक है, एरोमाटाइजेशन ऑफ अल्काइन, तो इसका एरोमेटिक करेक्टर आ जाएगा। जो प्रोडक्ट बनेगा तो द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ए, बने हुए प्रोडक्ट में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने, ठीक है। चलिए रिएक्शन कंप्लीट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है जैसे ये सी, और ये हो गया एक एल्काइल ग्रुप, ये लगा हुआ सी एच थ्री, यहाँ पे हो गया ट्रिपल बॉन्ड, ये सी एच हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे सी एच है, ये ट्रिपल बॉन्ड ये सी, और ये आपका सी एच थ्री हो गया, ठीक है। इसके बाद में ये हो गया आपका सी, यहाँ पे सी एच थ्री लगा है, ये ट्रिपल बॉन्ड और ये आपका सी एच हो गया। तीन मालिक्यूल आपको लेने हैं, कितने मालिक्यूल, थ्री मालिक्यूल्स, ठीक है। अब देखिए जो आपका रिंग लगा हुआ है, नहीं सॉरी, ये आपका एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट के हम हमेशा अपोजिट में बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे, तो ये पाज टू नेग टू आएगा। सिमिलरली ये आपका प्लस आई इफेक्ट लगा है तो इसके अपोजिट में बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, तो ये प्लस ये माइनस होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी प्लस आई इफेक्ट लगा है तो इसके अपोजिट में बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, ये आपका माइनस ये प्लस होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो न्यू पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बन करके आते हैं तो इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा नहीं होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव होकर के बॉन्ड बनाएंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बनाएंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव, देते देखिए साइक्लिक रिंग बन गया नहीं बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे डाला गया था रेड, क्या डाला गया यहाँ पे, रेड हॉट आयरन ट्यूब, आयरन ट्यूब में डाला गया, मेंटेनिंग वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है, 600 डिग्री सेल्सियस के लगभग मेंटेन किया गया। अब जो प्रोडक्ट मिला ये सी एच, ठीक है, इधर बना सिंगल बॉन्ड ये सी है, इससे लगा हुआ है सी एच थ्री, ठीक है। यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड क्योंकि एक पाई बॉन्ड टूट चुका है, ये बना सी एच, यहाँ पे हो गया सिंगल बॉन्ड ये सी है, यहाँ पे आ गया सी एच थ्री, ठीक है, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड ये सी, यहाँ पे लगा है सी एच थ्री, और फिर इसके बाद में, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड। अरे गलत हो रहा है क्या भाई, ये डबल बॉन्ड होगा फिर ये सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, थोड़ा गलत हो रहा है तो मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका जाएगा डबल बॉन्ड, सही है, अब ये आपका सी एच है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब ये होगा सिंगल बॉन्ड, डबल सी एच हो गया फिर ये हो गया सिंगल बॉन्ड, इस सिंगल बॉन्ड में सी लगे होगा, ये आपका सी एच थ्री है और यहाँ से कनेक्ट हो गया डबल बॉन्ड। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये सब्सटेंस बना। अब इसमें हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है आपका, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, डिफरेंट इंक ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड, तीन हाइड्रोजन है तो थ्री सिग्मा बॉन्ड, ये आपका फोर, ठीक है, ये फोर हो गया, ये फाइव हो गया, ये सिक्स हाइड्रोजन के साथ सिक्स, ये सेवन हो गया, ये एट हो गया, एट थ्री कितना हो जाएगा, एलेवन हो गया, फिर इसके बाद में ये ट्वेल्व हो गया, ये थर्टीन एक हाइड्रोजन के साथ में फोर्टीन, और फोर्टीन हो गया, और फिर इसके बाद में फोर्टीन, ये फिफ्टीन हो जाएगा, फिफ्टीन थ्री कितना हो गया, एटीन, एटीन वन कितना हो गया, नाइनटीन हो गया, नाइनटीन वन कितना हो गया, नाइनटीन वन ट्वेंटी हो गया, ट्वेंटी वन कितना हो गया, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी वन, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, बी ऑप्शन सही होना चाहिए, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर,